हाय एवरीवन दिस इज दीपिका आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे और आज हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन द लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म कई बार होता है कि हम इन्हें अलग से समझते तो हैं कि लिबरलिज्म क्या है जहाँ पर कोर आइडिया लिबर्टी होता है मार्क्सिज्म क्या है जहाँ पर कैपिटलिज्म को हम उखाड़ फेंकने की बात करते हैं विद दी हेल्प ऑफ रिवोल्यूशन और हम चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट क्लास हो जाए तो एक तरीके से जो बेसिक आइडिया है हम लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म को समझते हैं लेकिन जब हम इनकी कम्पेरेटिव स्टडी करते हैं और इनके बीच में डिफरेंसेज करने को आते हैं तो थोड़ा टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई इनके बीच में हम डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट करें भाई अलग अलग तो आप डिफाइन कर लोगे लेकिन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाना आउटलाइन कर पाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है तो आज की इस वीडियो में अगर आपको लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में डिफरेंस समझना है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है और इसे लास्ट तक जरूर देखना आपको लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच का जो डिफरेंस है वो जरूर समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले पहले अगर हम लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म को यहाँ पर देखें तो लिबरलिज्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज़ प्राइमरी लिबरलिज्म में यह जो लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी है यहाँ पर इंडिविजुअल की डिग्निटी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है प्रायोरिटी दी जाती है अब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल आपका लिबर्टी से भी कनेक्टेड है जबकि मार्क्सिज्म में क्या होता है मार्क्सिज्म में हम कम्युनिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं मतलब हम यहाँ पर कॉमन गुड को अचीव करने की कोशिश करते हैं और जो लिबरलिज्म है यहाँ पर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्या, ध्यान देते हैं तो जो लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी है इसका मानना है कि अगर इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाएगी इंडिविजुअल अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट के आधार पर काम करेगा तो यहाँ पर जो जो बेनिफिट्स हैं वो ट्रिकल डाउन हो जाएंगे नीचे फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटलिज्म जैसे इकोनॉमिक सिस्टम में अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग एकोमोलेट कर रहे हैं तो वो फैक्ट्रीज और लगाएंगे जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाएंगे जितना ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेगा वो उतने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे फॉर एग्जाम्पल ओके तो इस इस तरीके से डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज प्राइमरी इन द लिबरलिज्म जबकि कम्युनिटी इज़ द प्राइमरी इन द मार्क्सिज्म और ये कॉमन गुड या कॉमन ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर बिलीव करते हैं सिंपल सा पहला डिफरेंस हो गया सेकेंड है लिबरलिज्म में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बेटर माना जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पर इकोनॉमी क्या है मार्केट बेसिस पर फंक्शन करती है मतलब सरकार का या स्टेट का कंट्रोल नहीं होता इकोनॉमी पे इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म से रन करती है और यहाँ पर गवर्नमेंट का काम है रेगुलेशन ना कि रिस्ट्रिक्शंस लगाना तो जो लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये सपोर्ट करते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेटर है वहीं मार्क्सिज्म की बात करें तो मार्क्सिस्ट थिंकर्स या मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है दैट इज़ नॉट गुड हमें क्या करना है कैपिटलिज्म का डिस्ट्रक्शन करना है दिस इज़ द एम ऑफ मार्क्सिज्म और इस कैपिटलिज्म को डिस्ट्रक्ट हमें क्या करके डिस्ट्रॉय करके हमें फाइनली कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करना है क्यों ऐसा करना है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी कहती है कि जो कैपिटलिज्म है इस इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सोसाइटी है वो दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस में डिवाइड हो जाती है बेसिकली क्लास डिवीज़न हो जाता है क्लास डिवीज़न में एक हैव्स क्लास रहती है दूसरी हैव्स नॉट क्लास रहती है हैव्स क्लास के पास क्या है ऑनरशिप हो जाती है मालिकाना हक हो जाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का यह रिसोर्स पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं जबकि जो हैव्स नॉट क्लास है इनका रिसोर्स पर कोई कब्जा नहीं होता है ये सिर्फ वर्कर्स हैं और ये वेजेस के लिए काम करते हैं इनके लिए इस क्लास के लिए और इस तरीके से क्लास कन्फ्लिक्ट आ जाता है क्लास कन्फ्लिक्ट कैसे क्योंकि हैव्स क्लास मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं और इस मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ये लोग इस क्लास का वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं गेटिंग इट तो इस तरीके से यहाँ पर क्लास कन्फ्लिक्ट है और हमें अगर हमें इस क्लास कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होगा और इसके लिए हमें एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म इसको डिस्ट्रॉय करना होगा और यह कैसे किया जाएगा जो 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 वर्किंग क्लास है जो हैव्स नॉट क्लास है ये क्रांति लाएगी ओके तो ये दूसरा बेसिक डिफरेंस हो गया तीसरा बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी में लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाता है लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का यहाँ पर यह मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसके फंक्शंस लिमिटेड होंगे गवर्नमेंट क्या है इंडिविजुअल्स की लिबर्टी पर इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट का काम है जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना और एक तरीके से सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन रखना और इसे इसको जाना जाता है एक तरीके से नाइट वॉचमैन स्टेट के तरीके से इस तरी जिस तरीके से एक बिल्डिंग या एक सोसाइटी की रक्षा करता है जो हमारा जो जो नाइट वॉचमैन होता है जो वो उस सोसाइटी या बिल्डिंग या प्रॉपर्टी की रक्षा करता है कि उसकी देख करेगा कि भाई कोई इनक्रोच तो नहीं कर रहा है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है तो उसी तरीके से स्टेट का काम है कि वो भाई एक तरीके से सुपरविजन रखे कि हाँ सब ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं ओके तो यहां पर लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को ये लोग सपोर्ट करते हैं वहीं पर मार्क्सिज्म में सपोर्ट किया जाता है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रो तो मार्क्सिज्म ने सपोर्ट किया कि जो प्रो है इसकी डिक्टेटरशिप होगी यहां पर प्रोलिट्रेट कौन सी है जो वर्किंग क्लास है भाई जब वर्किंग क्लास कैपिटलिस्ट क्लास को उखाड़ फेंकेंगी इस स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो जो स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी होगी उसमें प्रोलिटरेट अपनी डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करेंगे तीस चौथा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है लिबरलिज्म सपोर्ट करता है कि सोसाइटी जो है इसमें कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जा, 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 और और जो स्टेट है इनके बीच का कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है तो लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी के अनुसार समाज में कई जो सोसाइटी है उसमें कई तरीके के इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं अगर इन इंटरेस्ट ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो इस कन्फ्लिक्ट का समाधान स्टेट के द्वारा निकाला जाता है स्टेट कोशिश करता है कि इनके बीच में निगोसिएशन हो जाए या रिकाउंसिलेशन ऑफ द इंटरेस्ट हो जाए तो एक तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है वहीं पर जो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये कहते हैं कि हमें जो कन्फ क्लास कन्फ्लिक्ट का सबसे रूट कॉज है उसको अबोलिश करना है अब क्लास कन्फ्लिक्ट का रूट क्या है कैपिटलिज्म। हमने देखा ना यहाँ पर कि कैपिटलिज्म किस तरीके से सोसाइटी में दो एंटागोनिस्टिक क्लास को खड़ा कर देता है लाकर एक हैब्स क्लास दूसरी हैप्स नॉट क्लास तो जो ये एंटागोनिस्टिक क्लासेस की वजह से क्लास कन्फ्लिक्ट आ रहा है क्लास स्ट्रगल हो रहा है तो हमें इसका रूट कॉज क्या है रूट कॉज है कैपिटलिस्ट सिस्टम तो हमें इस रूट कॉज को ही खत्म कर देना है जब हम इस रूट कॉज को खत्म कर देंगे कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्लास कन्फ्लिक्ट अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा गेटिंग इट नेक्स्ट है डिफरेंस uh, जो फिफ्थ डिफरेंस है लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में वो है लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी सपोर्ट करते हैं इंक्रीमेंटल चेंजेस को कि जो चेंजेस हों वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर पर हों पीसफुल मैनर पर हों स्टेप बाय स्टेप हों वहीं पर मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं कि हमें रिवॉल्यूशनरी चेंज लाना है रेडिकल चेंजेस लाना है मतलब रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ऐसे कि भाई हमें क्रांति करके एग्जिस्टिंग सिस्टम जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसको अबोलिश कर देना है डिस्ट्रॉय कर देना है हम वेट नहीं करेंगे कि भाई इंक्रीमेंटल चेंजेस हों एक सीरीज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एंड सोशल रिफॉर्म्स लाए जाएं धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस हों हमें करना है कि भाई जिस दिन वर्क किंग क्लास को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है तो वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ क्रांति कर देंगे और वो क्रांति रिवॉल्यूशनरी क्लान रिवॉल्यूशनरी होगी रेडिकल होगी और इस तरीके से एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम अबॉलिश कर देंगे ओके नेक्स्ट डिफरेंस है लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में जो लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी है ये कहते हैं कि स्टेट एंड डेमोक्रेसी आर द इम्पॉर्टेंट टूल फॉर चेंज तो हमें जो इंक्रीमेंटल चेंजेस लाने हैं समाज में उसके लिए हम स्टेट को यूटिलाइज करेंगे हम डेमोक्रेसी को अपना माध्यम बनाएंगे और एक एज अ टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे मतलब हम स्टेट के थ्रू चेंजेस लाएंगे स्टेट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टूल है टू ब्रिंग द चेंजेस वहीं पर जो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये कहते हैं कि हमें इकोनॉमिक चेंज इज़ द बेस ऑफ ऑल चेंज भाई आप इकोनॉमिक चेंजेस कर दीजिए सोसाइटी में बाकी चेंजेस अपने आप हो जाएंगे अब ये कैसे क्योंकि अगर आपने मार्क्सिज्म में बेस और सुपर स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें कहा गया है कि जो बेस है ना राइट right, ये बेस हो गया जिसमें क्या आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स सॉरी इधर दिख नहीं रहा होगा शायद आपको ये लेट मी ड्रॉ इट किसी और जगह हम इसे ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए ये वाला पॉइंट हाँ तो जो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल फिलोसफी है ये कहते हैं कि आप इकोनॉमिक चेंजेस ला दो तो बाकी चेंजेस अपने आप आ जाएंगे क्योंकि जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर थ्योरी है मार्क्सिज्म में वो कहती है कि जो बेस है ना बेस ये आपका बेस हो गया और बेस में आपके क्या आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स या मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस और ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक फैक्टर्स ही निर्धारित करते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है स्टेट आता है अदर इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो मार्क्सिज्म जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है ये कहते हैं कि बेस निर्धारित करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा ओके तो जबकि और अगर आप इस बेस को चेंज कर दो तो ये सुपर स्ट्रक्चर अपने आप चेंज हो जाएगा क्योंकि बेस ही तो निर्धारित कर रहा है बेस ही तो डिटरमाइन कर रहा है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा आप बेस पे या इकोनॉमिक फैक्टर्स पे चेंजेस ला दें आप कैपिटलिस्ट सिस्टम को हटा दें या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको प्राइवेट कर प्राइवेट हटाकर क्या कर दें कॉमन ऑनरशिप कर दें तो आपने बेस चेंज कर दिया सुपर स्ट्रक्चर अपने आप चेंज हो जाएगा जैसे कि कैपिटलिज्म को हटाकर हम कम्युनिज़्म कर दें अगर जहाँ पर मीन्स ऑफ जो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या मीन्स ऑफ ऑनरशिप है उसकी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है वो कॉमन कॉमन हो गई सारे इंडिविजुअल्स की कॉमन बेसिस पे हो गई तो यहाँ पर हमें स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है स्टेट अपने आप खत्म हो जाएगा क्लास कन्फ्लिक्ट अपने आप ख़त्म हो जाएगा गेटिंग इट तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म uh, के बीच में आई होप कि आज आपको समझ में आए होंगे इस स्लाइड से और इम्पॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए क्योंकि अगर यूजीसी नेट में अगर पूछा जाए या किसी अदर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि लिबरलिज्म क्या है मार्क्सिज्म क्या है तो यहाँ से मार्क्सिज्म पे भी अगर अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहाँ से ये पॉइंट्स उठाकर लिख सकते हैं या लिबरलिज्म में पूछा जाता है तो ये यहाँ से पॉइंट उठाकर लिख सकते हैं सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस एंड आई होप कि आपको आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा अगर डिस्कशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा इससे क्या होगा इस चैनल को ग्रो करने पे हेल्प मिलेगी एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी और वहाँ पर हम आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ So thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Take care.